पाकिस्तान को अभिनंदन को लौटाना ही होगा। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान में इस समय पाकिस्तान के कब्जे में हैं, लेकिन पाकिस्तान की यह मजबूरी है कि उन्हें अभिनंदन को भारत लौटाना ही होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जेनेवा संधि के अंतर्गत पाकिस्तान की यह मजबूरी है कि उसे न केवल अभिनंदन को भारत लौटाना होगा बल्कि उसके साथ मानवीय व्यवहार भी करना पड़ेगा। कुल मिलाकर अभिनंदन को जब पीओके में स्थानीय लोगों ने पकड़कर मारपीट की और पाकिस्तानी सेना को सौंपा, तब पाकिस्तानी सेना द्वारा भी उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया और उनका एक गंदा वीडियो भी जारी किया गया। पाकिस्तानी सेना की उपस्थिति में अभिनंदन के साथ जो मारपीट वहां के स्थानीय लोगों ने की, वह भी बेहद शर्मनाक है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जेनेवा संधि के तहत पाकिस्तान को और पाकिस्तान की सेना को अभिनंदन को सुरक्षित अपनी कस्टडी में लाना था और भीड़ को रोकना था, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने ऐसा नहीं किया। इस तरह से अभिनंदन के मामले में पाकिस्तानी सेना द्वारा जेनेवा संधि का खुले आम उल्लंघन किया गया। उल्लेखनीय है कि जेनेवा संधि में यह व्यवस्था की गई है कि दोनों देशों की सेनाएं बंदी के साथ किसी भी प्रकार का अमानवीय व्यवहार नहीं करेगी और पकड़े गए सैनिकों को वापस उसी देश की सेना को सौंप दिया जाएगा। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता को कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने बंधक बनाया था, उन्हें भी यातनाएं दी गई, लेकिन भारत सरकार के कूटनीतिक प्रयासों के कारण पाकिस्तान को नचिकेता को छोड़ना पड़ा। इधर पाकिस्तानी सेना के मेजर के साथ अभिनंदन द्वारा जो बात की गई है उसका भी एक वीडियो सामने आया है। उसमें पाकिस्तानी मेजर द्वारा यह पूछा गया कि क्या आपके साथ यहाँ अच्छा व्यवहार हो रहा है। अभिनंदन ने कहा, मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, मेरा यह बयान भारत लौटने पर भी नहीं बदलेगा और कैप्टन ने मुझे भीड़ से बचाया है। आप सब लोग भले लोग हैं, मैं चाहता हूं भारतीय सेना भी इसी तरह का व्यवहार करे, मैं पाकिस्तानी सेना से प्रभावित हूं। पाकिस्तानी मेजर द्वारा यह भी पूछा गया कि आप कहां के रहने वाले हैं। इस पर अभिनंदन ने कहा कि मैं नहीं बता सकता, दक्षिण भारत में कहीं से। मेजर ने उनसे पूछा कि चाय पसंद आई, अभिनंदन ने कहा बहुत अच्छी है, थैंक यू। पाकिस्तानी मेजर ने पूछा कौन सा विमान उड़ा रहे थे, अभिनंदन ने कहा सॉरी मैं यह नहीं बता सकता, लेकिन विमान के मलबे से आपको पता चल गया होगा। पाकिस्तानी मेजर ने पूछा आपका मिशन क्या था, अभिनंदन ने कहा सॉरी मैं आपको यह नहीं बता सकता। मेजर और अभिनंदन का यह जो संवाद वायरल हो रहा है, इसमें यह भी पता चला है कि अभिनंदन कितने स्वाभिमान के साथ पाकिस्तानी मेजर से बात कर रहे हैं। अभिनंदन वर्तमान का पूरा परिवार वायुसेना को समर्पित रहा है। उनकी पत्नी तन्वी मारवाह वायुसेना में रही है और अभिनंदन के पिता भी वायुसेना से ही रिटायर हुए हैं। चेन्नई में रहने वाले अभिनंदन के पिता एस वर्तमान ने भी अपने बेटे की बहादुरी पर गर्व जताया है। उधर उनके घर के बाहर मौजूद कुंदन नाथन नाम के एक रिश्तेदार ने यह कहा कि अभिनंदन की रिहाई होनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से भी अपील की है वे आवश्यक कदम उठाएं। अभिनंदन के बारे में पता चला है कि उन्होंने 2004 में वायुसेना में प्रवेश किया था। उनके पिता 1973 में फाइटर पायलट बने थे। उनके पिता के बारे में भी कहा जाता है कि उनके पास 40 तरह के विमान उड़ाने का अनुभव है। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने मणिरत्नम की फिल्म में भी मदद की थी जो वायुसेना की बहादुरी पर आधारित थी। उधर भारतीय पायलट की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान ने कहा कि हम भारत को दिखाना चाहते थे कि अगर आप हमारे देश में आ सकते हैं तो हम भी आ सकते हैं। बात यह है कि यहाँ से कहाँ जाते हैं कोई नहीं जानता कि युद्ध कहाँ जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध एक हफ्ते में खत्म होने का अनुमान था, लेकिन इसमें 6 साल लग गए। चीजें ना मेरे बस में रहेगी ना मोदी के, और हमें बातचीत करके यह मामला सुलझाना चाहिए। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर का भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम युद्ध नहीं शांति चाहते हैं, युद्ध में सिर्फ मानवता हारती है, हमारी कार्रवाई आत्मरक्षा में थी। इधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों सेना प्रमुखों के साथ एक बैठक की गई और इसमें मोदी ने तीनों सेनाओं को यह कहा कि उन्हें कार्रवाई के लिए खुली छूट दे दी गई है। मोदी की यह प्रतिक्रिया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की इस प्रतिक्रिया में थी कि हम सिर्फ यह बताना चाहते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान में घुस सकता है तो हम भी घुस सकते हैं। सोशल मीडिया पर दिन भर पाकिस्तान के इस बयान को लेकर चर्चा होती रही है कि उसके पास भारत के 2 पायलट कब्जे में हैं, लेकिन बाद में इसमें संशोधन करके यह बताया गया कि 1 पायलट ही उनके कब्जे में है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।